नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, हमारी जो कार्स होती है उसमें पावर स्टीयरिंग होता है, और पावर स्टीयरिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता है, और दूसरा होता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। तो जिन कार्स में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होता है उनमें क्या है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड होता है, मतलब हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का ऑयल भी बोलते हैं लोग, वो होता है, वो हमें रिप्लेस करना होता है। वो हम रिप्लेस नहीं करते तो पावर स्टीयरिंग हार्ड होता है, या फिर पावर स्टीयरिंग का जो पंप होता है वो भी डैमेज हो सकता है। तो वो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है या फिर ऑयल है, वो कैसे चेंज करते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। करें मास्टर माइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जिन कार्स में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है उसमें तो ऑयल तो होता ही है, ठीक है। तो उस कार्स के इंजन बे में आपको एक ऐसी टैंक मिलती है, और टैंक के कैप के ऊपर लिखा हुआ होता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। तो इसमें ये हमारा जो पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड है वो होता है। तो वो चेंज करने की एकदम इजी से इजी की तरीका है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी कैप हमने पहले निकालनी है, इसके बाद ऐसा सिरिंज लेना है, और ऐसी एक छोटी सी पाइप लेनी है, ये इसमें डाल देनी है, ठीक है। और थोड़ी इस टैंक के लेवल के नीचे आपको आना है, ठीक है। ऐसे ही आ गए हम, और एक बॉटल लेनी है, एम्प्टी बॉटल, और ये जो फ्लूइड है ये सिरिंज से हमें खींचना है। ये देखो, ये आएगा, ये मुंह से भी खींच सकते हो, लेकिन मुंह में जाने का डर रहता है, इसलिए सिरिंज से खींचना एकदम सेफ तरीका है, ठीक है। ये इसमें लगभग 5-10 मिनट में पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन ये पूरा आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जो टैंक है पावर स्टीयरिंग की उसमें ही है, लेकिन जो इसका पंप रहता है या फिर हमारा स्टीयरिंग रैक रहता है, सब जगह ये फ्लूइड होता है वो रहता है। इसमें ही डाल देंगे तो क्या, आधा तो पुराना ही रह जाएगा। तो वो भी निकालने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये जो फ्लूइड है ये आने देते हैं पूरा टैंक में जो जितना है, और इसके बाद जो बाकी जगह जैसे कि रैक में पंप में जो है वो कैसे निकालना है, ये में जितना भी हमारा पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड था वो पूरा आ चुका है। तो ये जो छोटा पाइप था वो मैंने निकाल दिया, और मैं साइड में रख देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारा पुराना फ्लूइड है ये मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि बॉटल के हमें और भी। अब हमारी पावर स्टीयरिंग फ्लूइड की टैंक है उसमें आपको दो पाइप लगे दिखाई देंगे। जो बॉटम में लगा है ये उसका मेन पाइप है, और जो थोड़ा ऊपर लगा हुआ है ये इसका रिटर्न पाइप है। तो हमें अभी रिटर्न पाइप निकालना है। इस पकड़ की मदद से मैं इसकी क्लिप निकाल लेता हूँ। ये देखो, तो पाइप की जो क्लिप है होस पाइप की वो भी हमने निकाल दी। और अब क्या करना है, ये जो रिटर्न पाइप है ना, इसमें जो भी रैक में है या फिर पंप में है वो पूरा हमारा पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड आ जाएगा, लेकिन वो उस पर पहले हमें हमारी जो कार है वो चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें से फोर्स से आता है, इसलिए क्या है, एक बॉटल है इसमें ये डालना है, और बॉटल थोड़ी सी नीचे ऐसे रख देनी है। ध्यान रखना है कि ये बेल्ट को वगैरह ना टच करे बॉटल, वैसे तो टच करती नहीं इधर हमारा जो माउंटिंग वगैरह होता है हर गाड़ी में, ठीक है। और ये जो तरीका है ये आप किसी भी गाड़ी में यूज़ कर सकते हो जिस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग फ्लूइड या फिर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, ठीक है। तो अभी जाके मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद आप देखोगे इधर से जो हमारा पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड है वो आ जाएगा। और स्टार्ट भी ज़्यादा नहीं रखनी है, लगभग 15 से 20 सेकेंड ही आपको स्टार्ट रखनी है, नहीं तो क्या ये फ्री घूमता है, मतलब विदाउट ऑयल घूमता है, विदाउट फ्लूइड घूमता है ना हमारे पावर स्टीयरिंग का पंप वगैरह, वो डैमेज हो जाता है। लेकिन वैसे तो 15-20 सेकेंड या फिर 1 मिनट चालू रखोगे तो कुछ होता नहीं है। तो अभी देखो मैं कार है वो स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, जैसे ही कार स्टार्ट की इसमें ऑयल कैसे फोर्स से आ रहा है, ये देखो जितना भी ऑयल है उसमें आ जाएगा। तो एसी मैं बंद कर देता हूँ, एसी चालू है, ठीक है। और हमारा जो स्टीयरिंग है वो हार्ड आएगा, लेकिन फिर भी आपको ताकत लगा के पूरा राइट को घुमाना है, या फिर पहले लेफ्ट को घुमाओ और उसके बाद राइट को घुमाना है पूरा। ये देखो मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। इतना हो जाए, हो जाने के बाद गाड़ी है वो बंद करो, और अभी देखो कितना ऑयल आ गया। हमारे टैंक में जो ऑयल था वो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये ऑयल देखो कितना, ठीक है, आ गया। मतलब पूरी सिस्टम का ऑयल अभी तक आया नहीं है, ठीक है।
और हमें थोड़ा नया ऑयल डाल के थोड़ा फ्लश करके लेना पड़ेगा, तभी जो हमारा पूरा प्रॉपर नया ऑयल है वो हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑयल है, ये मैं दूसरी जगह डाल देता हूँ। और ये बॉटल हम यूज़ करेंगे इसका पावर स्टीयरिंग फ्लूड या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूड और पावर स्टीयरिंग फ्लूड, ये एक ही होता है, ATF फ्लूड कहते हैं उसे। ये लेके आए हूँ 1 लीटर, तकरीबन 900 ml वगैरह इसमें लगता है। तो ये मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। और ये जो पाइप है ये मैंने लगा दिया है, सिर्फ क्लिप नहीं लगाई क्योंकि हमें फिर से निकालना है। इसमें आपको सिर्फ 50-100 ml ही ऑयल इसका पहले डालना है, ठीक है। तो लगभग मैं 50-60 ml ऑयल इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लगभग 50-60 ml ऑयल डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसकी MRP पूछोगे कुछ, KBX भी अच्छी कंपनी है, कैस्ट्रॉल अच्छी कंपनी आती है, 265 rupees लीटर है ये, 1 लीटर का कैन है। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से वो स्टेप करनी है, ये पाइप निकालना है, रिटर्न पाइप हमारा, उसमें बॉटल डाल देनी है और हमें गाड़ी चालू करके एक बार लेफ्ट में घुमाना है पूरा स्टेयरिंग, एक बार राइट में घुमाना है, पहले लेफ्ट में घुमाओ पहले राइट में घुमाओ, कुछ सिक्वेंस नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ मकसद यही है, ये जो नया ऑयल है ये पूरी सिस्टम में घूम के जो पुराना ऑयल है वो पूरी तरह साफ करके इस बॉटल में लेके आए। ठीक है, तो अभी मैं फिर से गाड़ी चालू करता हूँ और देखिए जो हमने 50-60 ml ऑयल डाला था वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये मैं स्टेयरिंग घुमाता हूँ अभी। सॉरी, हॉर्न के स्विच पे हाथ लग गया इसलिए हॉर्न बज गया। एक दो बार आप राइट लेफ्ट करके ले सकते हो पूरा। ठीक है, इतना हो गया, अब मैं गाड़ी बंद करता हूँ। ये देखो जो हमने ऑयल डाला था वो नीचे आप देखोगे तो नया ऑयल भी आया है और पुराना ऑयल भी इसके साथ आ गया है। अब हमारे पास 1 लीटर ही ऑयल है इसलिए हम ये स्टेप बंद करते हैं। अभी पाइप की क्लिप वगैरह सब लगा देता हूँ और नया पावर स्टीयरिंग ऑयल। तो अभी हमने जो उस पाइप निकाला था वो लगा दिया, उसकी क्लिप भी लगा दी, अब हमें नया ऑयल डालना है। अभी जो सिस्टम में वगैरह ऑयल था पुराना वो पूरी तरह मतलब लगभग 99% पुराना ऑयल है वो निकल गया है। ठीक है, तो अभी हम नया ऑयल डाल सकते हैं। तो इधर इसका मार्किंग होता है मिनिमम और मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है उसके ऊपर नहीं डालना है और मिनिमम के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं पहली बार में ऑयल डालूंगा ना तो शायद ये जो टैंक है ये फुल हो जाएगी। डालने के बाद आपको गाड़ी चालू करनी है, पावर स्टीयरिंग जो है हमारा स्टीयरिंग है वो लेफ्ट में राइट पे घुमाना है, तब ऑयल की लेवल नीचे नीचे जाएगी। 5-10 मिनट हमारी कार है वो चालू रखनी है और इसके बाद ही हमें लेवल चेक करनी है। अभी ये देखो ये फुल हो गया है। ठीक है, अभी गाड़ी चालू करता हूँ और इसमें फ्लूड डालता हूँ। गाड़ी चालू करने के बाद जो पूरी सिस्टम में जाएगा और प्रॉपरली पूरी सिस्टम फुल होगी और उसके बाद ही लेवल दिखाएगा। आइए, गाड़ी चालू की तो सब जो हमारा पावर स्टीयरिंग फ्लूड था वो नीचे चला गया। इसमें हमें आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैंने इसके पीछे लाइट रख दी है। तो अभी हमें गाड़ी चालू, गाड़ी और स्टीयरिंग हमारा सामने होना चाहिए, इसमें ऑयल डालना है मैक्सिमम लेवल तक। ये देखो ये ऑयल जा रहा है। ठीक है, और एक बार मैं स्टीयरिंग राइट लेफ्ट घुमाता हूँ, देखता हूँ ये जो हमारे लेवल है ये नीचे जाते हैं या वैसे ही रहती है। ठीक है, ऐसा आवाज़ आ सकता है, घबराइए मत, वो चला जाएगा आवाज़। ठीक है, ये जो हमारा ऑयल है वो देखो फिर से नीचे चला गया। एक दो बार ऐसा ही करना है तभी हमारी जो लेवल है ये प्रॉपर हो पाएगी, नहीं तो क्या आप ऐसे ही डाल दोगे तो बाद में लेवल कम हो जाएगी। फिर एक बार लेवल करता हूँ, राइट लेफ्ट स्टीयरिंग घुमाता हूँ और अभी फाइनल हम इसकी लेवल चेक करेंगे। अभी देखो मैक्सिमम के थोड़े ऊपर डाल दिया है क्योंकि मुझे पता है और नीचे जाने वाला है ये।
थोड़ा दबा के भी रखना है एक साइड में स्टीयरिंग। और अब सीधा करना है, ये सीधा कर दिया। और अभी हमारे ऑयल के लेवल नीचे नहीं गए, अभी मैक्सिमम के थोड़े ऊपर है, उतना चलता है उसका, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके कैप में लगा देता हूँ। तो अभी फ्लूड चेंज करने के बाद जो हमारा स्टेयरिंग है पहले से भी और ज़्यादा स्मूथ हो गया है। ये देखो, एक उंगली से भी एकदम प्रॉपरली ये घूम रहा है। अभी गाड़ी जगह पे है और फिर भी एक उंगली से मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। इस प्रकार जो हमारा हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग होता है उसका जो फ्लूड होता है या फिर पावर स्टेयरिंग का ऑयल भी कहते हैं, ये चेंज किया जाता है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि ये चेंज मत करो, ये चेंज करने के बाद सिस्टम में एयर वगैरह आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो सिस्टम है ये क्या है, फिर से रिटर्न आती है हमारे टैंक में, तो एयर भी रहती है तो टैंक में रिटर्न आती है और एयर चली जाती है। ये जो सिस्टम है इसमें कभी एयर आती नहीं है। तो ये जो प्रोसीजर है ये मैंने आपको बताई पावर स्टेयरिंग का फ्लूड चेंज करने के, ये आपको आशा करता हूँ समझ में आई होगी। और आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने तक सीमित ना रखें, बाकी जो आपके दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, उसमें भी ये वीडियो मेरा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस सब्जेक्ट की नॉलेज मिल सके। और अगर मन में कुछ भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।